हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्लाजो में पॉकेट लगाना सिखाएंगे, वो भी नए तरीके से। तो इसको जरूर देखिए और जरूर सीखिए और स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो ये देखिए, ये रेडीमेड प्लाजो है। इस तरीके से मैंने पॉकेट लगानी है और इसको कैसे लगाएंगे और यही मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी, ठीक है। दोनों साइड में ये पॉकेट है और दोनों साइड में ही मैं आपको लगा करके बताऊंगी, ठीक है। और वीडियो को स्किप मत करना, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और ये देखिए, प्लाजो की कटिंग की हुई है और आसन की भी स्टिचिंग की हुई है मैंने, ठीक है। अब सिर्फ मैंने इसमें आपको पॉकेट लगाना सिखाना है। तो वो कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, खुली वाली साइड की तरफ से हमने 3.25 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये देखिए, 3.25 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ पे जो लंबाई है पॉकेट की, वो मैंने 6 इंच की रखनी है, ठीक है। अगर हाथ आपका भारी है तो 6 इंच रख लें, नहीं तो 5.5 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने तिरछी लाइन ऐसे लगा देनी है। तो ये देखिए, 6 इंच पे मैंने निशान लगाया और तिरछी लाइन लगा दी। और ये पॉकेट के लिए कपड़ा है, ठीक है। डबल फोल्ड में मैंने इसको रखा है इस तरीके से। और ये दो पॉकेट हैं और डबल फोल्ड में है, 7.75 इंच, और लंबाई है इसकी 11.25 इंच की, ठीक है। तो ये डबल फोल्ड है, ये देखिए, और दो कपड़े हैं, ठीक है। दोनों साइड में पॉकेट लगेगी और इसको हम इस तरीके से खोल लेंगे पॉकेट वाले कपड़े को, और जो हमने मार्क लगाया हुआ है प्लाजो में उसको हम इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे, ठीक है। और रखने के बाद हमने जैसे मार्क लगाया हुआ है उसी के ऊपर हमने कटिंग कर देनी है, ठीक है। ये देखिए, पॉकेट का कपड़ा मैंने नीचे रखा है और प्लाजो का कपड़ा ऊपर रखा है। तो इसी तरीके से मैं इसको कटिंग कर दूंगी। और बहुत ही आसान है ये पॉकेट लगाना, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। और दूसरी तरीके से भी मैंने पॉकेट लगाना सिखाया है और वो भी आसान तरीका है और ये भी आसान तरीका है। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक साइड में इस तरीके से मैं पॉकेट लगाना सिखाऊंगी आपको। और ये प्लाजो का जो कपड़ा है ना, सीधी साइड हमने ऊपर वाली रखना है, ऊपर की तरफ, और पॉकेट को हम उसके ऊपर रखेंगे। फिर हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे, ठीक है। याद रहे, प्लाजो की जो सीधी साइड है ऊपर रखेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको इस तरीके से ऐसे पलटा देना है बैक साइड की तरफ और फिर से हमने एक सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो ये देखिए, सिलाई मैं लगा रही हूँ ऊपर वाली साइड में और प्लाजो की जो सीधी साइड है वो ऊपर वाली साइड में है। तो इस तरीके से हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है पॉकेट को। और आप नीचे वाली साइड में भी सिलाई लगा लें, नीचे वाली साइड मैंने खुली रखी थी। और इस तरीके से अंदर ये जो सिलाई है ना नीचे वाली, इसको अंडरग्राउंड करना चाहते हैं तो पहले आप इसको पीछे वाली तरफ फोल्ड करके फिर सिलाई लगा लें और फिर इसको सीधा करें इस तरीके से, ठीक है। तो ये सिलाई आपकी अंडरग्राउंड हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी, धागे नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हमने सिलाई लगाने के बाद इसको ऐसे पॉकेट को सेट करना है। और सेट करने के बाद सारा, मतलब सेट अच्छे से सेट कर लें पहले, उसके बाद ही सिलाई लगाएं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मैं सेट कर लूँगी अच्छे से, ठीक है। ये देखिए, सेट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे नीचे वाली साइड में मैं सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। ये देखिए, तो ये सिलाई लगा दी मैंने। अब ऊपर वाली साइड में जहाँ पे हमने बेल्ट, यहाँ पे बेल्ट अटैच करनी है ना, तो यहाँ पे भी सिलाई लगा दूंगी ताकि हमारी पॉकेट एक जगह टिकी रहे, ठीक है। तो ये देखिए, एक साइड की पॉकेट लग चुकी है, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दें, ठीक है। देखिए, एक साइड की पॉकेट लग चुकी है। अब दूसरी साइड की भी मैंने इसी तरीके से लगाऊंगी। प्लाजो की सीधी साइड ऊपर रखी है, फिर मैंने पॉकेट का कपड़ा ऊपर रखा है जो कट किया था, ठीक है, तिरछा जो कट किया था, इस तरीके से इसको ऊपर रखा और फिर हमने सिलाई लगाई। सिलाई लगाने के बाद फिर इसको ऐसे पलटा देंगे बैक साइड की तरफ, ठीक है। और फिर इसको हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे, टॉप स्टिच लगाएंगे फिनिशिंग आने के लिए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए, ये सिलाई भी मैंने लगा दी है। अब पॉकेट को ऐसे करेंगे, फोल्ड करेंगे और पहले हम नीचे वाली सिलाई लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। ऐसे उल्टा फोल्ड करना है, फिर हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर देंगे, ठीक है। तो ये सिलाई, ये जो सिलाई है ना, ये अंदर की तरफ चली जाएगी, हमारे धागे नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी इसको करें और इसी तरीके से पॉकेट लगाएंगे तो बड़ी आसानी से पॉकेट लग जाएगी। और फिर हमने कपड़े को सीधा करना है, अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद फिर से हम सिलाई लगाएंगे, ये साइड वाली सिलाई,
ठीक है, ये देखिए मैंने सेट कर लिया और ये साइड वाली सिलाई भी मैंने लगा दी है। ठीक है, जितना कपड़ा आपका जो बाहर की तरफ निकल रहा है उसको निकलने दें, बाद में कट कर दें। ठीक है, तो ये देखिए कट कर दिया मैंने। अब ऊपर वाली साइड की भी आप सिलाई लगा लें। ठीक है, ये वाली सिलाई। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो बुकरम है, बुकरम पट्टी है, वो अटैच करेंगे। वो भी मैं आपको बताऊँगी कैसे आपने लगानी है बुकरम पट्टी, इसी वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, ध्यान से देखिए और स्किप मत करिए। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो ये देखिए दोनों साइड की पॉकेट लग चुकी है। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी से फिनिशिंग से ये पॉकेट लगी है। ठीक है, अगर वैसे आपको नहीं लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप पॉकेट लगा सकते हैं। तो फिर आपने देख लेना है कमर कितनी है, उसके हिसाब से आप बुकरम पट्टी कट कर लेंगे और फिर आपको आपने इसको कपड़े के ऊपर इस तरीके से अटैच करना है। ठीक है, इसको अच्छे से सेट करने के बाद ऊपर वाली साइड में सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, ये सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको पलटा देंगे बुकरम पट्टी को। अभी कट नहीं करना है इसको, हमने इस तरीके से पलटाना है। पलटाने के बाद फिर से हम सिलाई लगाएंगे ऊपर वाली साइड में, मतलब फिनिशिंग से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये सिलाई खुलेगी नहीं, सामने आएगी, फ्रंट साइड में आएगी। तो आप अच्छे से सिलाई लगाएं इसकी। ठीक है, तो ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब जितना कपड़ा हमें चाहिए आधा इंच दबाव में आने के लिए, सिलाई में आने के लिए, उतना ही रखेंगे, बाकी हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने आधा इंच कपड़ा रखा है दबाव में लाने के लिए, बाकी सारा कट कर दिया है। साइडों से भी कट कर दें, तो ये देखिए साइडों से भी मैंने कट कर दिया है। अब इसको हम अटैच करेंगे प्लाजो के साथ। ठीक है, ऐसे पट्टी को खोलना और उसके ऊपर हमने ये प्लाजो रखना है, सीधी साइड ऊपर रखनी है, फिर हम इसको स्टिच करेंगे। ठीक है, सेट करते जाएंगे और स्टिचिंग करते जाएंगे। आधा इंच ही दबाव में आना चाहिए, क्योंकि आधा इंच ही कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा कट किया है। ठीक है, इस तरीके से आपने पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, अब हमने पट्टी को ऊपर वाली साइड में इस तरीके से फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे, तो ये हमारी बुकरम पट्टी है जो लग के तैयार हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अच्छे से सेट करते जाएं, नीचे कपड़ा नहीं आना चाहिए, नहीं तो बाद में फिर खोलना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए ये बुकरम पट्टी भी लग चुकी है और पॉकेट भी लग चुकी है, तो ये देखिए आपके सामने है। ठीक है, अब हमने बैक साइड जोड़नी है, वो मैं आपको इसमें वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, तो इसका फाइनल लुक जरूर दिखाऊंगी कैसा बन के ये तैयार हुआ है प्लाजो। और बैक साइड से देखिए इस तरीके से ये पॉकेट लगी है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है, प्लीज़ अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और ये देखिए बॉटम में भी मैंने डिज़ाइन डाला हुआ है, इसकी भी अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।